सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लोग जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे जो मैसेज का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। जैसा कि मुझे यहाँ पे जो किसी को पर्सन को मैं मैसेज करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आई होप अगर आप लोग मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे देखना चाहते हो तो नहीं मिलता, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखना होगा, तो चलेंगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको इस तरीके से आता हूं। यहां पे जो मैसेज होते हैं, किसी का मैसेज मैं करता हूं तो यहां पे मैसेज नहीं दिख रहा है, मैसेंजर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद सर्च बारे में टाइप करेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम टाइप करेंगे और इसके बाद आपको इंस्टाग्राम को अपडेट करेंगे इस तरीके से। ये इंस्टाग्राम जब तक अपडेट हो रहा है तब तक इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लीव मिलता है, अगर यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, इसके बाद क्या करेंगे, ये अपडेट हो रहा है तब तक के लिए आपको क्या एक सेटिंग करनी होगी, इसके बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको इंस्टाग्राम को इस तरीके से लॉन्ग प्रेस कर सकते हो और ऐप इन्फो पे आ सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से आप लोग इस तरीके से ऐप इन्फो पर नहीं आ पा रहे हो तो इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट फ़ोन की सेटिंग सब फोन में अवेलेबल होती है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऐप मैनेजमेंट यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, फिर ऐप सेटिंग, हाँ जो भी आपका यहाँ पे सेटिंग मिलती है आपको उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम को फाइंड करिएगा, यहाँ पे अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं होगा, यहाँ पर सर्च एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम को सर्च करिएगा, हाँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद इंस्टाग्राम यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आपको इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन के नीचे देखने मिलता है परमिशन, इस पर क्लिक करेंगे। परमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक एक करके आपकी परमिशन को अलाउ करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने डोंट अलाउ थी लेकिन यहाँ पर अलाउ कर रखी है ऑलरेडी, तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है स्टोरेज एंड कैच, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, तो ठीक है, कई कई डिवाइस में यहाँ पे नीचे शो करते तो आपको क्लियर कैच करिएगा, क्लियर स्टोरेज नहीं करिएगा। इससे क्या होता है, अगर आपका पासवर्ड पता होता है इंस्टाग्राम का तो यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे पासवर्ड पता नहीं होता तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से क्लियर स्टोरेज ना करें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको बैक करेंगे, बैक करने के बाद फ्रेंड्स इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब आपको चेकआउट करनी होगी, प्ले स्टोर फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि अपडेट हो रहा है या नहीं। फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अपडेट अभी भी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अपडेट करिएगा। सो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इंस्टाग्राम अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाने के बाद इंस्टाग्राम को यहाँ से ओपन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब आपका इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरीके इंटरफेस आता है नज़र, इसके बाद आपको इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर ही आपका मैसेज का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले समय यहाँ पर विजिट किया इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको रिफ्रेश करना होगा और यहाँ पे आपका मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। पहले यहाँ पे आपका मैसेज, आपको मैसेंजर का ऑप्शन नहीं मिल रहा था किसी को मैसेज कर सकूँ, इसलिए आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग इस तरीके से आसानी तरीके से आप लोग वहाँ से मैसेज कर पाओगे किसी को पर्सन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।